तो दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों बहुत से बच्चे यहाँ पे रिलैक्स हो गए होंगे कि उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, अब उनके ऊपर कोई टेंशन नहीं है और वो बिल्कुल भी यहाँ पे सर्च नहीं कर रहे हैं कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। मैं सारे बच्चों को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ पर मैसेज भी करते रहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए होगा काउंसलिंग के दौरान। तो कहने का मतलब यहाँ पे मिक्स प्रतिक्रिया है, लेकिन दोस्तों कोई बच्चा भी यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स ना हो, बल्कि ये समय इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे कंप्लीट कर सकें। तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो लाया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आपको कौन कौन से एनेक्सर वहाँ पर चाहिए होंगे। अब मैं उस एनेक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे एनेक्सर हैं, लेकिन ये सारे आपको चाहिए होंगे जब आप वहाँ पर मेडिकल वेरीफिकेशन के लिए, जो आपकी एक तरह से फिजिकल जो वेरीफिकेशन होगी, ठीक है, काउंसलिंग, तो उसके लिए जब आप जाओगे दोस्तों कॉलेज में, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी होगी। तो इसको बनवाने का समय अभी है, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, अकाउंट नंबर वगैरह आपको देना होता है जिसमें स्कॉलरशिप आए, तो वो काफ़ी रश हो जाता है। तो अभी जो आपके पास ये खाली समय है उसमें दोस्तों इस एनेक्सर पर आप काम करिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन एनेक्सर्स के बारे में। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है तो जैसे आज तक आप पूछते आए हैं वीडियो के नीचे, तो बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। तो दोस्तों पहला एनेक्सर जो आपको बनवाना है वो बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट का। अब दोस्तों ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो साइन होगा, सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन या फिजिशियन। तो फिजिशियन और असिस्टेंट सिविल सर्जन के नीचे नहीं होना चाहिए जो भी यहाँ पे अटेस्ट करेगा, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, आरएमपी होना चाहिए, और आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब ये चीज़ बनवाइएगा किसी प्राइवेट वाले से जो कि इन रैंक के नीचे हो, जो मैंने अभी आपको बताया, तो फिर वो मान्य नहीं होगा और वहाँ पे फिर रेगुलेट करने के सिवा आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी हर एक बात को। अब दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट जो है टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल द टाइम ऑफ एडमिशन, तो इसका फोटो कॉपी आप लेके नहीं जाएंगे, बल्कि जो आप बनवाएंगे वो ओरिजिनल ही वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। अब दोस्तों फर्स्ट में आपका नेम आएगा, सेकेंड में फादर्स नेम, फिर थर्ड में डेट ऑफ बर्थ। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में दोस्तों होता है कि जैसे अगर आपको कोई तिल है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोल कहते हैं, अगर जहाँ पे भी है आप उसको वहाँ मेंशन कर सकते हो, वो भाग आपका विजिबल होना चाहिए। ज़्यादातर जैसे आपके हैंड्स में होता है या फोरहेड में होता है, तो वो चीज़ें आपको लिखनी होती है कि आपके लेफ़्ट हैंड में है या लेफ़्ट पाम में है, मोल ऑन द लेफ़्ट पाम एट्सेट्रा, इस तरह करके आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर लिखना है। फिर दोस्तों आपको हाइट वहाँ पर लिखनी है अपनी, वेट, फिर विज़न, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो ये चीज़ें आपको टिक करनी पड़ेगी। रिपोर्ट ऑन एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो वो चीज़ यहाँ पे आएगा, वो सारी चीज़ें आपको चेक करानी पड़ेगी। जब आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो सारी चीज़ें वहाँ चेक करेगा, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस भी, कलर ब्लाइंडनेस भी, और कुछ भी अगर उसको दिखता है तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी। फिर दोस्तों लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका रूटीन यूरिन टेस्ट होगा, वहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन, टीसी, डीसी, ईएसआर ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें वहाँ टेस्ट होंगी। स्टूल टेस्ट होगा, फिर रिपोर्ट ऑन लेटेस्ट पीएवयू एक्सरे ऑफ चेस्ट, ये होगा वहाँ पे, रिपोर्ट ऑन ब्लड प्रेशर और ईसीजी, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक इलनेस अगर कुछ हुई तो फिर वहाँ पे डॉक्टर मेंशन करेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको करवानी है, ये नहीं कि अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये दिक्कत है तो आप वो चीज़ नहीं करवा रहे हो, ये सारे ही वहाँ पर पॉइंट्स भरे जाएंगे। फिर आई हैव केयरफुली एग्जामिन्ड मिस्टर, यहाँ पे आपका नाम आएगा, इन माई प्रेजेंस ही शी, जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल, इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल और बॉडली डिजीज़ इन्फॉर्मेटिव मेकिंग हिम अनफिट फॉर लाइकली टू मेक हिम, जो भी है यहाँ पे वो टिक कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर आ जाएगा, उसका फुल नेम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, तो ये सारी चीज़ें वो लोग भरेंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग भरेंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि जो डॉक्टर होगा वो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन और फिजिशियन। फिर दोस्तों यहाँ पे सेकंड एनेक्सर है, ये एनेक्सर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है। कहने का मतलब ये सबको नहीं बनवाना है, बल्कि वो बच्चे जो कहीं पे कार्य कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो वो लोग वहाँ से इन्हें स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो बच्चे आए हैं तो वो चीज़ ये एनेक्सर टू उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है।
इट इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर मिस जो भी आएगा यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो बोनिफाइड एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ बीन वर्किंग हेयर एज, फिर वहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगा आप जिस पद पे वहाँ पे काम कर रहे हैं सिंस, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा आपने कब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। एज़ पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद आवर ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर हैज़ पोस्ट क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिग्री मिनिमम रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स मोर देन 2 ईयर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इन द इवेंट ऑफ एडमिशन ऑफ डैश आपका नाम फिर से आएगा इन नाइपर ही शी वुड बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी एंड पेड यूजुअल सैलरी एंड अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ स्टडीज रिसर्च एट नाइपर। ही शी विल बी फुली रिलीव फॉर द पीरियड फॉर परसुइंग हिज हर स्टडीज एंड रिसर्च एंड दैट द फी ऑफ द कैंडिडेट विल बी पेड बाई अस। तो जो स्पॉन्सरशिप दोस्तों कैंडिडेट्स होते हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन उन्हें भेजता है, उनका सारा जितना फीस होता है जितना खर्चा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन उठाता है, क्योंकि वो लड़के वो कोर्स करने के बाद वापस वहाँ पे जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फिर से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके जो क्लाइंट हैं उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो इसलिए वो भेजा जाता है उन लोगों को कि आप वहाँ पे करके आइए, आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे और इसके बाद आपको फिर से यहीं पे ज्वाइन करना है, ये कंडीशन होती है। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ अवर विदड्रॉल ऑफ स्पॉन्सरशिप टू द स्टूडेंट एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन द प्रोग्राम मिस्टर यहाँ पे फिर से आपका नाम आएगा शेल कीज टू बी स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डेट ऑफ विदड्रॉल ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर किसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फीस नहीं भरता है तो ये कैंडिडेट के जिम्मा होगा, वो वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट से विड्रॉल कर लिया जाएगा। तो ये उनको भरवाना है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट। अब दोस्तों ये एनेक्सर थर्ड है, ये दोस्तों अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, तो ये सब के लिए है, सबको यहाँ पे चीज़ भरना है। डिटेल्स गिवन एट सेक्शन 12 ऑफ द ब्रोकर। आई मिस्टर मिस जो भी है यहाँ पे नाम आएगा आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम डिसिप्लिन। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी, मुझे ध्यान आ रहा जहाँ पे बच्चा ये चीज़ पूछ रहा था कि एनेक्सर 3 में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या भरना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर वही भरना है जो आप एप्लीकेशन जिस समय आपने भरा था, जिस समय आपने एप्लीकेशन भरा था शुरुआत में नाइपर का, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम डिसिप्लिन, जैसे अगर आप एमएस फार्म कर रहे हैं या आप वहाँ पे एमबीए फार्म कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च डू हेयर बाई अंडरटेक ऑन दिस डे, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है किस डेट को, किस मंथ को, किस ईयर को, ठीक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सारी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि आप रैगिंग वगैरह नहीं लोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और आप एक बार यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हो तो सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, डेट और प्लेस ये मेंशन करना है। तो काउंटर साइन बाई, फिर इसके बाद आपके जो फादर मदर जो भी, तो उनसे यहाँ पर करवाना है सिग्नेचर, डेट और प्लेस, ठीक है। और ये दोस्तों सिंपल प्रिंट आउट लेके नहीं बनाना है, बल्कि जैसे एफिडेविट बनता है मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, और उस स्टैम्प पेपर का दोस्तों कॉस्ट 50 रुपीज़ होगा या उसके ऊपर, तो आप 10-20 इनमें नहीं बनवा सकते, बल्कि 50 रुपये या अगर 100 रुपये जो भी वहाँ पर अवेलेबल है आप उस पर बना सकते हैं, लेकिन उसके नीचे का मत रखिएगा क्योंकि यहाँ साफ कह दिया गया है कि ₹50 और अबव एन एफिडेविट एंड सबमिटेड ड्यूली नोटराइज। तो ये स्टैम्प पेपर 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर जो होगा उसको एफिडेविट आपको बनवाना है, इसको यही पूरे सारे पॉइंट्स उसमें रहते हैं और वो साइंड रहता है बाय नोटराइज्ड, ठीक है, तो नोटरी द्वारा वो वहाँ पे साइंड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें रहते हैं, ध्यान रखिएगा कि स्टैम्प पेपर 50 रुपीज़ के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एनेक्सर 1, एनेक्सर 3 सबके लिए कंपलसरी है, एनेक्सर 2 उनके लिए है जो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप से आए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे एनेक्सर 4 ये भी सबके लिए कंपलसरी है, अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स अगेंस्ट रैगिंग, तो ये पेरेंट्स के लिए है, तो ये सारे ही बच्चों को ले जाना है अपने पेरेंट्स के द्वारा करा के, ठीक है। और इसको आप सिंपल पेपर में वहाँ करवा सकते हैं। आई यहाँ पे नाम आएगा, आई एम द फादर मदर ऑफ, यहाँ पे जो भी लड़का लड़की जो भी है उनका सन है डॉटर है उसका नाम आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो। प्रोग्राम डिसिप्लिन, तो आपका प्रोग्राम डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आके आपके जो गार्जियन हैं
तो यहाँ पे साइन कर देंगे और डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ले जाना है एनेक्सर 4 भी। फिर एनेक्सर 5 में आपको कुछ विशेष करना नहीं है। एनेक्सर 6 यहाँ पे सारे वही दिए गए हैं, रूल्स गवर्निंग कंडक्ट एंड मेंटेनेंस और डिसिप्लिन फॉर स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, बस ये पढ़ना है। एनेक्सर 7 एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, ठीक है। फिर दोस्तों एनेक्सर 8, तो इसमें आपको यहाँ पे करना है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, तो ये सारे ही स्टूडेंट्स के लिए है, भले स्पॉन्सरशिप हो या रेगुलर स्टूडेंट हो। तो आई मिस्टर एमएस जो भी आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, सन डॉटर यहाँ पे टिक करना है, ऑफ यहाँ पे आपके फादर्स नेम आ जाएगा, एन एप्लीकेंट फॉर नाइपर मास्टर PhD जो भी है आपका उसमें आपको टिक करना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, डू हेयर बाई अंडरटेक ऑन दिस डे, तो यहाँ पे डे आएगा, मंथ आएगा और ईयर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग है दैट इन केस आई एम सेलेक्टेड एंड एडमिटेड टू एनी नाइपर एंड रिसीव फेलोशिप एज ए स्टूडेंट, आई हेयर बाई अंडरटेक दैट आई शैल रिफंड द इंटायर फेलोशिप अमाउंट डिसबर्स टू मी टू द इंस्टीट्यूट इमीजिएटली इन इवेंट ऑफ नॉन कम्प्लीशन विदड्रॉल फ्रॉम द कोर्स विच आई एम एडमिटेड। तो ये यहाँ पे आपसे अंडरटेकिंग ली जा रही है इस चीज़ की। फिर दोस्तों यहाँ एप्लीकेंट में आपका सिग्नेचर आएगा, नेम आएगा, डेट आएगा, प्लेस आएगा और काउंटर साइन बाय इंडोर्समेंट ऑफ गार्जियन, तो आदर फादर कर सकते हैं या मदर कर सकते हैं, तो जो भी आपके गार्जियन हैं, जो भी लीगल गार्जियन है वो यहाँ पे कर सकते हैं, सिग्नेचर, नेम ऑफ फादर या मदर, डेट, प्लेस, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। और इसको भी आपको 50 रुपीज़ या उससे ऊपर के एफिडेविट पेपर में जो कि ड्यूली साइंड बाई होगा नोटराइज्ड के द्वारा ही, तो उसमें इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको भी आपको एफिडेविट पेपर में ही बनाना है, तो आपको एनेक्सर 8 वहाँ पर ले जाना है। फिर दोस्तों मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एनेक्सर 8, फिर आपको एनेक्सर 4 वहाँ पे ले जाना है, एनेक्सर 3, तो 8 और 3 आपका एफिडेविट पेपर में रहेगा जो कि आपका 50 रुपीज़ एंड अबव आपका स्टैम्प पेपर पर रहेगा, ड्यूली साइंड बाई नोटरी। एनेक्सर 2 ले जाना है उन बच्चों को जो स्पॉन्सरशिप से आए हैं, और एनेक्सर 1 ले जाना है सारे ही बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये सारे ही आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, इनका फोटोकॉपी नहीं सबमिट करना है बल्कि ये ओरिजिनल ही वहाँ पे सबमिट होंगे, तो ये सारे ही आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और कि स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी, बहुत से बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, 12,400 रखी गई है स्कॉलरशिप। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो MBA फार्म के स्टूडेंट्स हैं तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे कितने बच्चों को मिलेगी, कितने बच्चों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, तो उस पर भी मैं दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, ताकि जो फॉर्म जो आपके MBA करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई भी उनको वहाँ पे वीडियो नहीं मिल पा रहा, मैं देख रहा हूँ और उनके मैसेज भी बहुत आ रहे हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल घबराए नहीं, मैं उनके लिए एक जल्दी से छोटा सा और कंसेप्टुअल वीडियो ला रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पे आपके लिए सब कुछ वहाँ पे क्लियर कर दूँगा कि किन किन को स्कॉलरशिप मिलनी है, कितने CGPA पे आपको स्कॉलरशिप मिलनी है, और मानिए अगर आपका CGPA कम भी है उस लिमिट से जो बताया गया है, तो आपको कितने चांस वहाँ पे कॉलेज देगा कि वो CGPA आप मेंटेन कर लो और वो स्कॉलरशिप ले लो, तो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर इस वीडियो में अभी भी आपको कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि समय रहते उसको आप बनवा सकें और काउंसलिंग में आपको कोई भी अड़चन ना आए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।